खुद को इमोशनली स्ट्रॉन्ग कैसे करें? ये किसी ने मुझे कमेंट सेक्शन में क्वेरी की थी और मैंने सवाल जवाब वाले अपने वीडियो में इसका जवाब भी दिया था कि ये कोई 1 या 2 सेकंड में या 2 मिनट में बताने की चीज नहीं है, इसके ऊपर थोड़ा वीडियो बनना चाहिए और मैं वीडियो बनाऊंगी, जस्ट वेट फॉर द वीडियो। तो आज मेरा वीडियो तैयार है इसके ऊपर, उम्मीद करती हूँ कि आपको आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलेगा और आपको ये इमोशनली स्ट्रांग होने में मदद करेगा। इमोशनल होना ये कोई वीकनेस नहीं है, बस इसकी डोज आपके अंदर बराबर होनी चाहिए। इनफैक्ट अगर आप इमोशनल हो तो कहीं ना कहीं ये चीज ये दर्शाता है कि आप ह्यूमन हो। अगर आपके अंदर कोई भावनाएं नहीं है, कोई फीलिंग ही नहीं है, तो आप इस संसारिक जीवन में क्या कर रहे हो? फिर तो आपको फैक्ट्री में जाके कपड़े काटते रहना चाहिए मशीन बन के। तो इंसान का इमोशनल होना भी जरूरी है, तभी तो ये सृष्टि चल रही है, तभी ये दुनिया चल रही है। अगर वो इमोशनल ना हो तो कोई किसी की मदद ही ना करे, कोई चैरिटी ही ना करे, कोई किसी भूखे को खाना ही ना खिलाए, तो ये दुनिया चलेगी कैसे? अब बात है कि लोग ना किसी के इमोशंस को समझते नहीं हैं, किसी के इमोशनल होने का नाजायज फायदा उठाते हैं, उससे खेल जाते हैं। तो देखो, इसमें ना गलती उन लोगों की नहीं है, इसमें गलती आपकी है। आपने अपने इमोशंस को अपनी वीकनेस बना लिया, उसे स्ट्रेंथ में कन्वर्ट किया ही नहीं। अब यहां पर क्या है, यहां पर आपको एक बैलेंस बनाने की जरूरत है, अपने इमोशंस को मैनेज करने की जरूरत है। और ये कोई 1 या 2 दिन का प्रोसेस नहीं होता, इसमें महीने भी लग जाते हैं, सालों भी लग जाते हैं। आपके जो इमोशंस होते हैं ना, वो इफेक्ट होते हैं आपके पास्ट एक्सपीरियंस से। तो जरा अपने पास्ट एक्सपीरियंस पे नजर डालो एक बार, कि किस दोस्त ने आपको झांसे में रखा, किसने ये बोलकर कि यार उस दिन मेरे पैसे लौटा दूंगा और आपसे पैसे ले लिए और बाद में कभी वापस नहीं किए, और जब आपको जरूरत पड़ी तो लाल झंडी दिखा दी, आपके कभी काम ही नहीं आया आज तक। या फिर किसी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड से रिलेशनशिप में थे तो उसने कितना यूज किया, फाइनेंशियली, इमोशनली, फिजिकली, राइट? रही बात रिश्तेदारों की, तो कितनी बार उन्हें डबल फेस दिखाए हैं आपने, बनानी लिस्ट। ऐसे और भी चीजें हुई होंगी आपके साथ, ये तो मैं एक जर्नल लाइफ में जो लोगों के साथ होता है वो बता रही हूँ। इसी तरह से लोगों के इमोशंस इफेक्ट होते हैं, इसी तरह से उन्हें यूज किया जाता है इमोशनली, तो ये सबके साथ है। तो लिस्ट बनाओ, हो सकता है मैंने तो 3 ही बताए, आपके साथ 10-12 चीजें हो। तो अब लिस्ट बनाने के बाद आपको देखना है कि आपकी खुद की गलती कहां थी, वो कमियां नजर आ गई, टटोल लिया, खुद को छान लिया। अब गहरी सांस भरो। अब वो गहरी सांस भरने के बाद अंदर ही अंदर बोलो कि सालो, 4 बार तो फुद्दू कटवा लिया अपना, ये मेरा बैड लक था, तुम्हारा लगता, लेकिन अब तुम्हारा बैड लक शुरू हो गया है, क्योंकि अब तुम्हें फुद्दू काटने के लिए किसी और को ढूंढना पड़ेगा। अब करो किसी और पे मेहनत और शांत हो जाओ। देखिए, लोग इमोशनली वीक कब हो जाते हैं, जब वो लोग इमोशनली फूल बनते हैं। और लोग इमोशनली फूल कब बनते हैं, जब वो किसी से एक्सट्रीम लेवल पर इमोशनली अटैच हो जाते हैं। अब एक्सट्रीम लेवल मतलब कि यार खाना पीना हजम ही नहीं होता जब तक उससे वो दिन में 4 बार बात ना कर ले, अपनी बातें ना बता दे, उसी के नाम की माला जपता रहता है। तो समझो कि वो मुर्गा हलाल होने की तैयारी में है, अब वो कटेगा। इसे देखो एक तरह का ब्लाइंड फेथ कहते हैं। लेकिन हाँ, ये भी सच है कि जब तक आप इमोशनली टॉर्चर नहीं होते, आप इमोशनली स्ट्रांग बन भी नहीं पाते। इसलिए अगर आपको इमोशनल स्ट्रांग बनना है तो इमोशनल पेन तो लेना ही पड़ेगा। और जैसे जैसे आप जिंदगी में झेलते चले जाएंगे, आप खुद ब खुद इमोशनली स्ट्रांग होते चले जाएंगे। आपके अंदर लोगों को ऑब्जर्व करने का स्किल डेवलप होने लग जाएगा और आप धीरे धीरे इमोशंस को अपने मैनेज करना सीख जाएंगे। लेकिन हाँ, अगर आप अब इमोशनली स्ट्रांग हो चुके हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कोई पेनफुल एक्सपीरियंस फ्यूचर में इस जिंदगी में कभी होगा ही नहीं। ये जिंदगी है डियर, इसको जीने की कीमत चुकानी पड़ती है कदम कदम पे। लेकिन हाँ, क्योंकि अब आप इमोशनली स्ट्रांग हो चुके हो, आपको अपने इमोशंस को मैनेज करना आ चुका है, तो आपको इतना फर्क नहीं पड़ेगा। खुद को इमोशनली स्ट्रांग करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप किसी से कोई उम्मीद मत रखो, फिर वो चाहे कोई भी हो, चाहे आपके पेरेंट्स, आपके बच्चे, आपका हस्बैंड, आपकी वाइफ। अब आपको मैं ऐसे कुछ रियल फैक्ट बताऊंगी जिंदगी के, जिससे आप कनेक्ट कर पाएंगे और आपको समझ में आएगा कि मैं ऐसा क्यों कह रही हूं। अब कई बार क्या होता है, ऐसे थॉट हमारे दिमाग में आते हैं, ऐसे विचार चलते हैं कि इसके लिए ना मैंने इतना किया और उसने एक बार भी नहीं सोचा, तो कोई जबरदस्ती थोड़ी ना थी, मत करते, ये आपका डिसीजन था जो आपने उसके लिए किया। अब ये उसका डिसीजन है वो बदले में आपके लिए वो चीज करे या ना करे।
तो आप फोर्स नहीं कर सकते। क्यों उम्मीदें लगा रहे हो, क्यों अपने दिमाग पे प्रेशर दे रहे हो? अब यहां पर आप खुद को इतना मजबूत बनाओ ना कि आपको किसी दूसरे से एक्सपेक्ट करने की जरूरत ही ना पड़े, और वो जो दूसरा है वो भी आपको इतना हल्के में ना ले। क्या इसे तो बस बोलने की देर है, एक टांग पे खड़ा हो जाता है मेरे लिए। चलो इस चीज पे बात कर लेते हैं कि एक्सपेक्टेशन इंसान को किस किस से होती है, और जब वो उम्मीदें पूरी नहीं होती तो वो कैसे इमोशनली हर्ट होता है। तो पहले दोस्तों से शुरू करते हैं कि देखो दोस्त जो होते हैं ना वो तो खुद एक स्ट्रगलिंग फेज में होते हैं, खुद डिपेंडेंट होते हैं, तो वो ज्यादा कुछ कर नहीं पाते। और जब वो सेटल्ड हो जाते हैं तो उनकी खुद की फैमिली होती है, तो वो अपनी फैमिली को देखेंगे या आपको देखेंगे, तो इस चीज को समझने की जरूरत है। और फिर भी चलो गॉड ग्रेस, अगर आप इतने लकी हो कि आपके साथ कोई ऐसा दोस्त है जिसने आपका कदम कदम पे साथ दिया, तो आप भी उसका साथ देना ना भूलिए। और वहां पर आप एक्सपेक्टेशन कर भी सकते हैं और उसकी एक्सपेक्टेशन पे खरा उतरने की कोशिश भी पूरी कीजिए। तो यहां पर आपका इमोशनल होना जायज है। गर्लफ्रेंड एंड बॉयफ्रेंड वाली चीज, तो देखो ये जो रिलेशन होता है ना गिव एंड टेक पे बेस्ड होता है। इस रिलेशन में जो इमोशंस होते हैं उसका एक टेम्पररी फेज होता है, ये आते जाती रहती हैं चीजें, यहाँ पर कुछ भी परमानेंट नहीं होता। इसमें आपको इतना सीरियस होने की जरूरत ही नहीं है, कैजुअल है कैजुअल बन के रहो, रिलेशन को निभाओ, क्यों परेशान हो रहे हो, क्यों उम्मीदें लगा रहे हो फालतू की। लेकिन हाँ, अगर ऐसा कुछ है कि दोनों ही एक दूसरे को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस है, तो निभाओ रिश्ता, बढ़ जाओ आगे, करो शादी और इमोशंस लव के साथ उस रिलेशनशिप को जियो। अब देखो रह गई बात रिलेटिव्स की, ये जितने भी रिलेटिव्स होते हैं लाइक ब्रदर सिस्टर, कजन ब्रदर कजन सिस्टर, या जो भी रिलेटिव्स में जो लोग आते हैं, तो देखो हर इंसान ना अपनी रोजी रोटी में बिजी है, हर इंसान के अपने खुद के लाइफ के चैलेंजेस है जिसे वो डेली बेसिस पे फेस करता है। तो आप ना तो उनकी लाइफ में इंटरफेयर करो, ना ही अपनी जिंदगी में उन्हें इंटरफेयर करने दो। आप अगर उनकी लाइफ में इंटरफेयर करोगे तो इट मीन्स आप उनको अपनी जिंदगी में दखल अंदाजी करने का न्योता दे रहे हो। अब वहां से फिर चीजें शुरू होती है फाइनेंशियल लेन देन की, आप मना कर पाते नहीं, वो वापस दे पाते नहीं, चीजें ऐसी चलती रहती है, मन में खटास पैदा होने लग जाती है। फिर वो तो शायद कुछ ना कहे, लेकिन आपको चार लोगों से, बाहर के चार लोगों से आपको सुनने को मिलता है कि यार अगला कह रहा था कि हमने पैसे दिए हैं, अभी तक वापस देने का नाम नहीं। तो यहां से फिर आपको इमोशनल हर्ट कि यार मैं नहीं दे पा रहा हूं, ये मेरी दिक्कत है, परेशानी, अगले को समझना चाहिए। आगे चीजें पड़े फिर से आप इमोशनल वीक, फिर से दिमाग में एक टेंशन कि यार अगला समझ नहीं रहा है। अब ना घरों में झगड़े होते हैं इस बात को लेके कि यार भाई की शादी हुई और जब से भाभी आई है ना हमारा भाई तो बदल गया। मां मनी मन सोचते हैं मेरा बेटा तो हो गया जोर को गुनाम, ये तो निकल गया मेरे हाथ से। तो भाई शादी क्यों करी अपने बेटे की, बेटा ही बना के रखते, भाई बना के रखते, किसी का पति क्यों बना दिया उसे? अब अगर जिम्मेदारी लदा दी है उसके ऊपर किसी और औरत की कि भैया उसके खर्चे पानी उठाने की, तो वो तो आधा टाइम उसको दे गए ना, वो तो फंस गया। अब ये उम्मीदें नहीं तो और क्या है, एक्सपेक्टेशन ही तो है। वहां पर वो अगला ये उम्मीद लगा रहा है मेरे पैसे कब वापिस आएंगे, और दूसरा ये उम्मीद लगा रहा है यार उसे समझना चाहिए मेरी सिचुएशन ऐसी है। यहाँ पर माँ और बहन ये उम्मीद लगा रहे हैं कि यार हमें समझता नहीं हमारा भाई, अब तो पता नहीं क्या हो गया इसको। अब आ जाओ उन पेरेंट्स पे, उन माँ बाप पे जो खुद को दुखी कर रहे होते हैं अपने बच्चों से उम्मीदें लगा लगा के, क्योंकि यही तो सारी जड़ है। जिस दिन आपने ये माइंड सेट कर लिया ना अपना कि जो मेरा बेटा है वो किसी और का होने वाला पति है, और जो मेरी बेटी है वो किसी और की होने वाली बीवी है, तो किसी का पति आपके लिए 24 घंटे कैसे अवेलेबल रह सकता है, और किसी की बीवी आपके इमोशंस की इतनी परवाह कैसे कर सकती है? सारे दुख की जड़ी खत्म है। इस एहसास को जितनी जल्दी कर लोगे उतना अच्छा है आपके लिए, वरना बड़े होकर तो वह एहसास करा ही देंगे। और वैसे भी देखो ये थंब रूल है, अगर आज आपको अपने बेटे और अपने बाप में से किसी एक की जान बचानी हो तो आप अपने बेटे की जान बचाओगे। सेम यही चीज है कि जब आपके बेटे के सामने ये सिचुएशन होगी कि उसे आपके और अपने बेटे में से किसी एक की जान बचानी है, तो वो अपने बेटे की जान बचाएगा। तो जो आपका बेटा है वो तो वैसे भी आपका नहीं है, तो जो चीज आपकी है ही नहीं उससे उम्मीद लगा के आप क्यों खुद को दुखी कर रहे हो? इस जिंदगी की कड़वे सच को आप जितनी जल्दी एक्सेप्ट कर लोगे और समझ लोगे, उतनी जल्दी आप इमोशनली स्ट्रांग हो जाओगे। देखिए ये हमें लगता है कि हम एक साथ हैं, लेकिन हम सब अकेले हैं, और इस जिंदगी को सरवाइव करने के लिए ना बस हमें एक दूसरे की जरूरत पड़ती रहती है, और इन्हीं को ही रिश्ते नाते कहते हैं। और जो रिश्ते नाते हैं ना इन्हें अपने टर्म्स कंडीशन पे जिस दिन आप निभाना सीख गए, हो गए आप इमोशनली स्ट्रांग। अब बात है कि आप कैसे पहचाने कि आप इमोशनली स्ट्रांग हो चुके हैं।
तो देखिए, जिस दिन आपको किसी भी बात का फर्क पड़ना बंद हो जाए ना, ये फलाना ने ये कह रहा था मुझे, वो ये कह रहा था मेरे पीछे, मेरे पीठ पीछे इस तरह की बातें हो रही थी, उसने मुझे ये बोला, उसने मुझे वो बोला, इनफैक्ट जिसने आपके साथ गलत किया वो आपके सामने भी अगर आके खड़ा हो गया है और आपके लिए उसका अस्तित्व को मायने नहीं रखता, मतलब वो खड़ा हुआ है लेकिन वो आपके लिए, उसका एग्जिस्टेंस आपके लिए कोई मैटर ही नहीं करता, आपको वो नजर ही नहीं आ रहा, तो समझो आप इमोशनली स्ट्रांग हो चुके हैं। जब तक आप इन चीजों से निकलोगे नहीं ना, आप एक नया इंसान नहीं बन पाओगे, क्योंकि आप वही पुरानी चीजें दिमाग में ले लेके घूम रहे हो, वही सब कुछ चल रहा है, तो नया जीवन कैसे जी पाओगे? अब या तो फर्क ही पड़वाते रहो या फिर जिंदगी को एंजॉय कर लो, चॉइस इज योर्स, क्या करना है आपको। सो बी इमोशनली स्ट्रांग। कैसा लगा वीडियो बताना मत भूलिएगा कमेंट सेक्शन में। थैंक यू।